देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना, और आज तक आ पहुंचा है कुंभ नगरी प्रयागराज में। जी हां, क्योंकि कुंभ नगरी में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता कैसे निकले। विश्व हिंदू परिषद के समर्थित मंच पर एक बड़ी धर्म संसद का आगाज हो चुका है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता हैं, माना जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता भी आएंगे, और यहां से संत समाज सरकार को और देश की जनता को अयोध्या के राम मंदिर के लिए एक बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रहा है। क्या इस धर्म संसद से भी कोई ऐसा प्रस्ताव पास हो जाएगा जिसमें कोई अल्टीमेटम या चुनौती सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को दे दी जाएगी, जैसा कि एक दिन पहले हम स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई वाली धर्म संसद में देख चुके हैं, जिसे नाम दिया गया परम धर्म संसद और कहा गया कि 21 फरवरी को हम कूच कर जाएंगे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए, भले ही अदालत से कोई फैसला हो या ना हो, क्योंकि हम नहीं मानते वहां मस्जिद गिरी थी, उनका मानना है वहां मंदिर तोड़ गिराई गई थी कार सेवकों के द्वारा। अब आज सवाल यह है कि दूसरी धर्म संसद किस लिए, जब राम एक है, जब धर्म एक है, जब लक्ष्य एक है, तो धर्म संसद अलग अलग क्यों है? क्या संत समाज में भी बंटवारा हो गया है? और सबसे बड़ी बात, चुनाव के ऐन पहले केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई, उसने क्या संतों को वाकई बांटने का काम किया है, या पहले से ही संतों में दो अलग अलग तरह की धाराएं चल रही थी? आज हमारे साथ यहां धर्म संसद के मंच पर बहुत सारे साधु संत मौजूद हैं, जो देश के जाने माने साधु संत हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। हम स्वागत करते हैं सबसे पहले जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी का। स्वागत है आपका आज तक की इस धर्म संसद में। हमारे साथ यहां मंच पर मौजूद है गौरीशंकर दास जी, जो कि गौरीशंकर दास जी अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अणि अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, और स्वागत करते हैं सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास महाराज जी का, अखिल भारतीय संत समिति के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महामंडलेश्वर जनार्दन हरि हमारे साथ हैं, वो अखिल भारतीय संत समिति के कोषाध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत, जो कि कालिका पीठ दिल्ली से यहां इस धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, इंदौर से यहां धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। हमारे साथ हैं संत गुरमाल सिंह, जो कि हरिद्वार से धर्म संसद का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। हमारे साथ यहां मंच पर हैं महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद गिरी जी, जो कि उड़ीसा से आते हैं और धर्म संसद का हिस्सा आज यहां बनेंगे। और संत श्री गोपाल चैतन्य जी हमारे साथ हैं वृंदावन धाम पाल महाराष्ट्र से, आज वो इस धर्म संसद का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। आप सब से इनका परिचय हो गया, हम इनसे चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक रिपोर्ट कि धर्म संसद में हलचल क्या क्या चल रही है। 2019 चुनाव के पहले राम मंदिर के लिए संतों की ये सबसे बड़ी बैठक है, ये वीएचपी की धर्म संसद है। इसी धर्म संसद से तय होगा कि वीएचपी से जुड़े साधु संत राम मंदिर के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह में कांटे बोएंगे या उन्हें थोड़ी और मोहलत देंगे। इस धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और योग गुरु रामदेव वहां पहुंचे हैं। वीएचपी की यह धर्म संसद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की उस परम धर्म संसद के बाद हो रही है, जिसमें 21 फरवरी को अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास का ऐलान कर दिया गया है। इसलिए वीएचपी की इस धर्म संसद में राम मंदिर को बनाने को लेकर जो प्रस्ताव पास होगा वो बेहद अहम होगा। अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, मंदिर का निर्माण करें, सभी का स्वागत है। अयोध्या जी आने वाले, चाहे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज गदगुरु हों या जो भी हों, अयोध्या जी आने के लिए जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मंदिर का निर्माण करें, मंदिर का निर्माण हमें अभी से है, कोई भी करे आए स्वागत, सब काम करते हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। अब जिनका जिनको जब मौका मिलता है तो वहाँ जाते, नहीं मौका मिलता नहीं जाते हैं, साधु संतों में मतभेद नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर हर साधु संत चाहता है, लेकिन अलग अलग धर्म संसद इस बात की तस्दीक करती है कि कहीं न कहीं राम मंदिर का मुद्दा संतों के बीच भी राजनीति की वजह बन गया है। इसलिए स्वरूपानंद और वीएचपी से अलग अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने दोनों से दूरी बना ली है। अब देखिए, हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि धर्म संसद के इस समय इन लोगों की कोई जरूरतें नहीं है।
ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता मीटिंग करें, राष्ट्र में धर्म के प्रचार करें, गौ के रक्षा के लिए काम करें, संस्कृति के काम करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एक संगठन धर्म बना लेगा तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। साधु संतों के विरोध नहीं है, अपनी अपनी बात रखने का हर को स्वतंत्रता है और कहीं भी रह सकते हैं। असल में राम जन्मभूमि का जो मसला है पूरी तरह से राजनीतिक हो गया था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि राजनीति से हट जाए हम लोग, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बीजेपी का एक अंग है, संघ बीजेपी का एक अंग है, तो हम सब संत महात्मा उनके साथ न होकर के अपनी एक अलग भूमिका बनाई जाए जिसमें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ न हो, तो उस समय ये होगा कि और पार्टियां हमारा साथ देंगी कि भाई अब बीजेपी हट गई है, संत महात्मा आगे आए हैं, तो जो मुस्लिम धर्म गुरु भाई वो भी हमारा साथ देंगे कि भाई इनकी बात को मानी जाए और मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। इसलिए हमने निर्णय किए हैं, हमारा कोई उनसे विरोध नहीं है। कुछ दूसरे साधु संत भी राम मंदिर के नाम पर संतों के बीच फूट से खुश नहीं, संतों पर सत्ता की राजनीति उन्हें पसंद नहीं आ रही। कोई रास्ता निकलता ऐसा है कि राम मंदिर यथाशीघ्र बने, यथास्थान बने, इतने अंशों में तो एक वाक्यता है, लेकिन ऐसा भी मैंने सुना था तो गरिया जी अलग से करने वाले हैं, अभी कोई चर्चा नहीं सुनी मैं, वो भी मुझसे मिलने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद अलग से कर ही रही है, एक माननीय शंकराचार्य के माध्यम से भी धर्म संसद के परम धर्म संसद का वही आयोजन गया, तो इसमें एक अनुकूल परिस्थिति यह है, एक अनुकूल बिंदु यह है, उद्देश्य यथाशीघ्र यथास्थान मंदिर बनना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या अनुगत सिद्धांत यह है। दूसरी बात है कि जब उद्देश्य एक है तो घटक तीन क्यों, उद्देश्य जब एक है तो घटक तीन क्यों सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से कोई सैद्धांतिक निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए, अलग अलग खिचड़ी पकाने की आवश्यकता क्यों, एक पक्ष निराशा की ओर है, एक पक्ष आशा की ओर है। महाराज जी, शंकराचार्य जी ने डेट दी है कि 10 फरवरी को पूछ करेंगे, 21 फरवरी उसका आप समर्थन करते हैं कि नहीं? मैंने तो उत्तर दे दिया ना आपको। हाँ। महाराज जी एक सवाल और। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। बहरहाल संतों में इस संग्राम की सच्चाई के बावजूद वीएचपी के धर्म संसद का रुख आने वाले दिनों की कहानी कहेगा। प्रयागराज से मौसमी सिंह और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने रिपोर्ट में कि धर्म संसद के मंच से क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस किस चीज को लेकर विचार हो रहा है, क्या क्या प्रस्ताव पास होने वाले हैं। लेकिन स्वामी हंस देवाचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम प्रयाग नगरी में हैं, कुंभ नगरी में हैं, साधु संतों का जमावड़ा है, जमावड़ा अलग अलग क्यों हो गया? एक धर्म संसद उधर होती है, एक धर्म संसद इधर होती है, बंटवारा क्यों? राम तो एक है, लक्ष्य तो एक है सबका। देखिए, धर्म संसद 1982 से एक ही चली आ रही है, जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और परमहंस विरक्त श्रोमणी श्री स्वामी वामदेव जी महाराज, जो अखिल भारतीय संत समिति के संस्थापक रहे, उन्हीं के काल से, और वही धर्म संसद आज तक चली आई है, और उसी धर्म संसद के सदन में सब निर्णय हुए हैं। ये अब कहाँ की नकल हुई है कोई परम धर्म संसद की? हमने एक धर्मादेश जारी किया था, पूरे विश्व के अंदर उसकी गूंज हुई, तो उसी की नकल को देख करके कुनी लोगों ने जो है परम धर्मादेश कर दिया। अब धर्म संसद हम बुलाएंगे, हम लोग आएंगे तो परम धर्म संसद, तो धारा तो हमारी थी, पर कुछ नकलची लोग इस तरह का रास्ता ले रहे हैं जिनका सीधा सीधा हिंदू जनता को, भारत की जनता को गुमराह करने का है। दूसरी बात, अयोध्या कुछ की बात जो लोग कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब जब इस देश के अंदर ये कोई एक रास्ता अख्तियार हुआ है तो उन्होंने हमेशा 99.9% लोग, प्रतिशत लोग, 99% नौ लोग जो है इस धर्म संसद के साथ हैं, 1% के लोग इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और
जब श्री राम जन्मभूमि न्यास मंच बन गया तो उन्होंने रामालय न्यास की बात कर दी, तो धारा तो उन्होंने दूसरी चलाई, विचारधारा तो उन्होंने एक बदली। देश की विचारधारा एक है, संत समाज की विचारधारा एक है, हम सब संतों की विचारधारा एक है, हम उससे भटके नहीं है। हमारा लक्ष्य है राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, उस पर आज भी हम अड़िग हैं। और रही बात धारा हमारी तो एक है, अब कुछ लोग कतिपय लोग केवल समाचार में आने के लिए, टेलीविजन की सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ ऐसा कर दें कि हमारा भी नाम हो। कहीं गुमनामी के अंधेरे में वो लोग जा रहे थे, कोई पूछ नहीं रहा था, कोई उनसे बात नहीं कर रहा था, तो खेसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात भी मुझे कहीं समझ में आती है। इसलिए वो अलग अलग रहा उन्होंने बनाई है, हमारी रहा पहले से एक थी, एक है और एक रहेगी। और एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कितने भी लोग प्रयास कर लें, श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर तो वही मॉडल का मंदिर बनेगा जिसका नक्शा करोड़ों भारतीयों के, हिंदुओं के घर के अंदर पहुंच गया है। उन्हीं ईंटों से बनेगा, उन्हीं पत्थरों से बनेगा जो संस्था पहले से उनको तराश रही है, उनको कर रही है, वही मंदिर बनाएंगे। और रही बात कि जो केंद्र की सरकार ने अभी 67 एकड़ भूमि जो है सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसकी एनओसी दे दी जाए, मैं यहां से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये 67 एकड़ भूमि सरकार की है, इसमें 42 एकड़ भूमि तो न्यास की है, ट्रस्ट की है, और बाकी की भूमि केंद्र सरकार की है। तो बाकी लोगों ने जो एक्वायर हुई थी उस समय, तो इसको एक्वायर किया गया था, सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक्वायर करके उच्च संस्थाओं की थी, प्राइवेट लोगों की थी, उसका पैसा वो ले चुके हैं। और न्यास ने चूंकि पैसा नहीं लिया, डिनाई कर दिया कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते, तो उनकी जमीन उनकी है, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक लगाया है, तो इसलिए केंद्र सरकार ने, ये चुनावी बात नहीं है, जब कोई बात आती है समय समय पर कोई भी आएगा तो उस पर तत्काल निर्णय उसी समय लेना पड़ता है। लेकिन आपकी बातों से एक चीज मुझे लग रही है, मैं अभिचल दास जी आपसे पूछना चाहता हूं कि इस धर्म संसद का आशीर्वाद केंद्र की सरकार को है, बीजेपी को है? देखिए, अभी आपने एक प्रश्न किया कि क्या ये दो धर्म संसद क्यों, तो उसके बारे में स्पष्टता करना चाहता हूं। जो धर्म संसद आज तक 8 धर्म संसद के सम्मेलन हुए हैं 1984 से शुरू होकर, वो केवल एक ही धर्म संसद जो आज होने जा रही है, जो आज हो रही है। दूसरी बात, ये जो लोग परम धर्म संसद के नाम पर या अयोध्या पर कुछ करने जो बात कर रहे हैं, वो आज तक कभी कार सेवा के कार्यक्रम में, राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन में कहीं भी वो जुड़े नहीं हैं। पहले कभी उनका कोई योगदान नहीं, कार सेवा में उनका योगदान नहीं है, जो भी आंदोलन चला उसमें भी उसमें से कोई कभी नहीं आया है, जो शिला पूजन हुआ उसमें भी वो उनका हमेशा विरोध हुआ करता था, और आज वो अयोध्या में मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं जो कभी इस आंदोलन से जुड़े ही नहीं है। तो आज जो धर्म संसद हो रही है, ये यही धर्म संसद जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन में शुरुआत से इस आंदोलन के साथ है, यही संत जो ये धर्म संसद में मौजूद है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो लोग विरोधी थे या जो लोग कभी आंदोलन में साथ नहीं हुए, वो आज शिलालेख लेकर आगे चलने को तैयार हैं कि साहब हम तो शिलान्यास करने जा रहे हैं, और आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप क्योंकि सरकार के साथ हैं, सामने चुनाव खड़ा है, इसलिए आपकी मजबूरी है कि आपको सरकार की बातों में हां मिलानी है। देखिए, ये जो धर्म संसद हमारे है, ये बहुत आगे से है, और हम लोग ये कोई पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, ये धर्म संसद पूरा स्वतंत्र है, और धर्म संसद के जो हो रहा है विचार, जो हो रहा है इसी के हिसाब से सब चलेगा, और बीच में ऐसे कोई आके ऐसे कुछ कर रहे हैं तो इसी को सब गुमराह करने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब बात के लिए हम लोग का कोई इसमें हम लोग का कोई साथ नहीं। लेकिन ये बात तो मना नहीं करेंगे ना आप लोग कि संतों ने सरकार पर दबाव बनाया तब जाके मजबूरन सरकार को ये अदालत में अर्जी लगानी पड़ी, इसके पहले तो कोई ऐसी चर्चा थी नहीं कि सरकार जा रही है अदालत में। आ रहा हूं आपके पास, बोलिए जनार्दन जी। तो क्योंकि जो हिंदुओं की भावना है, उस भावना को देखते हुए सारे संतों ने मिलकर जगत गुरु जी की अध्यक्षता में ये सभाएं की और ये नक्की किया कि हमें दबाव तो बनाना पड़ेगा,
और जो दबाव संतों ने बनाया, निजी स्वार्थ संतों का उसमें नहीं है। बस वो चाहते थे इस देश की जो आस्था है, इस देश का जो सम्मान है, तो उनको न्याय मिले और जो विश्वास है वो बना रहे, ये सारे संतों का भाव था। और जब कभी सरकार पे दबाव भी अगर बनाना पड़े तो वो जरूरी था कि हम दबाव बनाए और सरकार से जो सुनती है उस सरकार को हम सुनाए और अच्छा काम करवा ले। महाराज, एक बात मैं जानना चाहता हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं पढ़ते, संत सम्मेलन का या धर्म संसद का राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं, हम नेताओं को बुला रहे, कोई आएगा भी तो वो नीचे बैठेगा, मंच पे नहीं बैठेगा। लेकिन नेता तो आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया को तो 4 दिन से अखबारों में छप रहा है कि वो आएंगे। क्या ये मिलके सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने की रणनीति नहीं है, जिसमें वो पहले कई दफे भाषण में कह चुके हैं खुल के कि जनता का सब्र अब जवाब दे रहा है, और क्या संतों का सब्र भी जवाब दे रहा है? देखिए, जो हिंदू हित की बात करेगा वो सब संतों के साथ है। राष्ट्र हित की बात, हिंदू हित की बात, धर्म हित की बात जो करेगा, हम किसी पार्टी हित की बात नहीं करते हैं। हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, हिंदू के हित की बात करते हैं। वो कोई भी हमारे साथ आएगा हम उसको साथ लेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो या किसी अन्य दलों के लोग हों, वो आए अपनी नीति स्पष्ट करें। जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो हमेशा से पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, जो परम धर्म संसद बुलाते हैं, परम धर्मादेश की बात करके, उनके संबंध कहाँ से जुड़े हुए हैं, उनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं? अगर वो इतने 70 वर्षों से वो इस देश के अंदर राज कर रहे थे, कांग्रेस के लोग और उनके वकील, अगर आज कांग्रेस कहती, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, राजीव धवन, तनखा और कपिल सिब्बल जैसे तीनों कांग्रेसी वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ये बोलते हैं कि 2017 में सुनवाई 2019 में होनी चाहिए। स्वरूपानंद जी महाराज के सीधे सीधे कहूंगा, कांग्रेस के साथ संबंध है, और वो पहले तो कहें भाई हम, अगर वो कूच करने की बात करते हैं कि हम कूच करेंगे अयोध्या में, पहले उनको कहो जो तुम्हारे चेले सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिमों का पक्ष लेकर के लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए और इसकी सुनवाई डिले होनी चाहिए, पहले तो महाराज उनको ये कहिए कि वो पहले कांग्रेस के आकाओं को कहें, फिर उनके वकीलों को कहें, वो सुप्रीम कोर्ट से जो हिंदुओं के हित की अगर बात करते तो पहले वहां से मुकदमा लड़ना छोड़ें। राम मंदिर के विरोध के अंदर इनके वकील तमाम खड़े हैं, राजीव धवन है, कपिल सिब्बल है और तनखा जैसे लोग, तो ये कैसे देश को ये गुमराह कर रहे हैं? ये कहीं अंधेरे में रख करके देश की जनता को गुमराह करेंगे, नहीं चलेगा। रही बात इस सरकार की, ये सरकार अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करेगी, साधु संत उसके साथ रहेंगे, अगर गलत करेगी तो उसके उसके विरोध में भी खड़े होंगे। हम कैसे भूल जाएंगे आज पूरी दुनिया के अंदर इस देश का नाम हुआ है, हम कैसे भूल जाएंगे अच्छे काम नहीं हुए कि एक राम मंदिर के निर्माण की देरी को लेकर के हम चिंतित हैं। और ये प्रसन्नता की बात तो आज यहां पर आ जाती है, अगर 70 सालों में वो भी तो सरकार थी, नरसिम्हा राव की भी सरकार रही, उसने क्यों नहीं कहा कि ये भूमि हम राम जन्मभूमि न्यास मंच को दे देते हैं? इस सरकार ने कहा, कहां हम इनकी नियत में संदेह कर लेंगे? पर महाराज जी, एक सवाल ये भी है कि नारा लगा राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, अब मसला ये हो गया कि वही नहीं तो चलो कहीं बना लेंगे, वही तो विवाद चल रहा है, बाकी जगह छोड़ दो, वही कहीं बना लेंगे। ये बोले फिर आपके पास आ जाओ, आप बोले मंदिर तो हम वहीं बनाएंगे और जहां ठाकुर जी विराजमान हैं, बाल स्वरूप में रामलाल जी विराजमान हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप अयोध्या कूच करने की बात तो करते हैं, क्या आप राहुल जी से आपने पूछा है, क्या सोनिया से आपने पूछा है कि हम अयोध्या कूच करें कि ना कूच करें? आप जो भी कार्य कर रहे हैं कांग्रेस के इशारे पर कार्य कर रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। आप 4 ईंट ले जाने की बात करते हैं, जो वहां 40 लाख ईंटें रखी उनका क्या होगा? 4 ईंटों से कहीं मंदिर बन जाएगा? जो करोड़ों हिंदुओं के खून पसीने से जो ईंटें रखी हुई हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है आपके मजाक करने से, उनका क्या होगा? आप श्री ठाकुर जी का उपवास नहीं कर रहे, आप करोड़ों हिंदुओं का जिन्होंने बलिदान दिया है, हमारे श्री अवैधनाथ जी, अविराम दास जी, रामचंद्र दास जी, परम अशोक सिंघल जैसे व्यक्तियों ने वहां बलिदान दिया है, उनका क्या होगा? आप उनका मजाक कर रहे हैं। बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, जहां पर रामलला विराजमान है
वो भूमि विवादित नहीं है, हाई कोर्ट के फैसले में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है वो भूमि बगल की है और ये भूमि हमारी है, न्यास की है या सरकारी है। हम सरकार से कहते हैं हमारी मांग है, हमारा अधिकार है, हम किसी चीज को सरकार से मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है तो सरकार देवे, तो सरकार ने अपने धर्म का पालन किया है, इसके लिए हम नियत पर संदेह नहीं कर सकते। महाराज जी, जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया था तब दूसरा पक्ष जो कि हिंदू पक्ष है वो भी तो अदालत गया ना कि हमको पूरा चाहिए, हमको बंटवारा नहीं चाहिए। आज अचानक जब सामने चुनाव खड़ा हुआ है, क्यों हिंदू पक्ष को ये लगने लगा कि चलो जितना है उतना सही, उसी में काम चला लेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, मंदिर एक दिन में तो बनेगा नहीं, बड़ा विशाल मंदिर बनेगा, या मैं फूंक मारूं और मंदिर बन जाए, या ये 21 तारीख को कूच कर लेंगे तो मंदिर बन जाएगा। मंदिर के निर्माण में तमाम सामग्री लगती है, तमाम उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, एक दिन का निर्माण तो होगा नहीं। हम चाहते हैं देश की जनता के सामने, हमारी आंखों के सामने, जिन लोगों ने आंदोलन चलाया, जिन लोगों ने बलिदान दिए, जिन लोगों की बूढ़ी आंखें तरस रही हैं कि हमारे सामने काश राम मंदिर का काम शुरू हो जाता, हम हमारी बूढ़ी आंखें देख लें, हमें वो बूढ़े लोग नजर आते हैं, हमें वो बलिदानी लोग नजर आते हैं, हमें वो शहीद लोग नजर आते हैं, ऊपर बैठे हुए शहीद या वर्तमान में जीते हुए वृद्ध आंखें देखना चाहती हैं। राम मंदिर का निर्माण शुरू तो हो, एक एक कदम करके सही चालू तो होना चाहिए। हमारा जब मंदिर बना शुरू होगा तो लोगों को संतोष तो होगा, आपको भी होगा और मुझे भी होगा। लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि अब आप एक तरफ काम शुरू कर दें, दूसरी तरफ मुकदमा चल रहा है और मुकदमा कहीं गलती से जो कि आपकी उम्मीदों के खिलाफ चला जाए, जो कि आप मानने को तैयार नहीं है कि आपके खिलाफ जाएगा क्योंकि आपको यकीन है कि जन्म वहीं हुआ था, लेकिन अदालत ने कहा कि ये टाइटल सूट है, ये जमीन के मालिकाना हक का मामला है, हम किसी के जन्म हुआ था या नहीं हुआ था इसको लेकर टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर अदालत कह देती है कि वो जमीन का टुकड़ा आपके पक्ष में नहीं जाता तब क्या कीजिएगा? देखिए, अभी जगत गुरु जी ने बताया है ना कि भगवान राम की जो जन्मभूमि वही है, हाई कोर्ट ने भी माना है। दूसरा, भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं, सबकी आस्था के केंद्र हैं। सरकार ने जो जमीन मांगी है वो केवल मंदिर के भव्य निर्माण करने के लिए मांगी है। राम लला वहाँ पर बैठे हैं, मंदिर तो बनाई है, हमको तो भव्य एक इमारत भगवान राम के मंदिर की बनानी है और पूरे करोड़ों लोगों की आस्था है, चाहे से कोई भी निर्णय हो हम पूरे साधु समाज के साथ, पूरे भारत के लोगों के साथ जहाँ पर भगवान राम लला बैठे हैं वहीं पर मंदिर बनाएंगे और इसके अलावा हम कोई निर्णय को नहीं मानने वाले हैं। क्या करेंगे अगर निर्णय खिलाफ आ जाता है? खिलाफ आएगा तो उसके बाद भी हम लोग जन जागृति के साथ में जाकर अयोध्या बहुत जल्दी कूच करेंगे जगत गुरु जी के पावन सानिध्य में और भगवान राम का भव्य मंदिर वहां पर बनेगा। भगवान राम का मंदिर तो बनेगा लेकिन फिर वही स्थिति नहीं हो जाएगी जो कि आज स्वरूपानंद जी के ऐलान के बाद हो रही कि 21 फरवरी को चलो कूच कर रहे हैं, आप लोग भी फिर वही करेंगे? देखिए, स्वरूपानंद जी महाराज जो बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी, इन्होंने पहले क्यों नहीं परम धर्म संसद बुलाई? धर्म संसद तो बहुत 1982 से हो रही है और आज उनको भी इसी समय क्यों याद आई अयोध्या जाने की? उनको अगर अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात पहले करना था तो उनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सद्बुद्धि देना था और उनको अयोध्या लेके जाकर भगवान राम के मंदिर बनाने की घोषणा करनी। गए तो मोदी जी भी नहीं है अभी तक। मोदी जी गए नहीं है लेकिन मोदी जी आस्था के साथ जुड़े हैं, हम सब लोग जुड़े हैं। मोदी जी मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर तो पूरी भारत की जनता बनाएगी और संघ और हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो माननीय अशोक सिंघल जी थे उनका जो संकल्प उसको हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। सुरेंद्र जी, आपको लगता नहीं कि आपका जो भरोसा था वो चूक गया है? इतने साल, 4.5 साल आप लोगों ने इंतजार किया, दिल पे पत्थर रखे कि शायद अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, आखिरी समय पर जब सामने चुनाव है तब सरकार गई अदालत में। ये बात पहले भी तो कही जा सकती थी कि बाकी जमीन छोड़ दें। नहीं, देखिए, हिंदू समाज को थोड़ी निराशा जरूर हुई है जिस तरीके से इस केस को लटकाया जा रहा है, लंबित किया जा रहा है और तारीख पर तारीख पड़ रही है, उससे कोटि कोटि हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंची है और निश्चित रूप से निराशा हुई है। लेकिन अभी भी हम आशान्वित हैं और हमें विश्वास है कि फैसला निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि न केवल भावना और आस्था के आधार पर बल्कि हमारे अनेकों शास्त्रों में ये प्रमाण है कि श्री राम जन्मभूमि वही है, मंदिर वहां पर पहले ही निर्माण हो चुका है, अब तो केवल उसका भव्य स्वरूप बनना बाकी है। और हमें विश्वास है कि सरकार, अब न केवल सरकार बल्कि सभी दलों से मैं आग्रह करूंगा कि वो दल की दलदल से ऊपर उठकर ये मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करें और वहां भव्य मंदिर के निर्माण का जो है हमारा रास्ता। अगर ऐसा हो रहा है, मैं स्वामी जी एक सेकंड गुरुमाल जी से कमेंट ले लूं छोटा सा, उसके बाद आपके पास आऊं। अगर गुरुमाल जी, अगर ऐसा ही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हम चर्चा में सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, वो भी आ रहे हैं, उनको भी बुला लेते, उनसे भी निमंत्रण देके कहते कि आइए हम बात करना चाहते हैं धर्म संसद में, बैठिए हमारे साथ,
वो कहें हमारे तो वो आ जाएं, अगर वो चाहते हैं आने के लिए तो धर्म संसद में आ जाएं तो वो बयान दें अपना। और राम मंदिर तो बनेगा ही वहीं, क्योंकि राम तो सबके आराध्य हैं। गुरुवाणी में भी लिखा, जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, राम की शरण में तो हमें नहीं सबको ही आना पड़ेगा। तो राम मंदिर तो बनेगा, राम मंदिर तो बना हुआ है, सिर्फ एक वहाँ पे एक भैया भव्या बिल्डिंग का निर्माण होना है। राम मंदिर तो पहले है, राम मूर्ति वहाँ पे राम जी के जो विराजमान है वो तो सब पहले हैं। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टाइटल सूट है, एक बात, दूसरी बात, जमीन सरकार की है, सरकार किसी को भी दे सकती, जब हमने मांगा है। आपने कहा 4.5 साल में क्यों, मैं ये कहता हूँ भारत की जनता भी, सरकार भी, ये साधु संत भी, पूरा हिंदू समाज इस आशा में था कि शायद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, डे बाय डे हीरिंग करेगा और निर्णय एक महीने में आ जाएगा। और सरकार से भी हमारी बात हुई, हम भी कहते हैं सरकार से बात हुई है, सरकार के लोगों से बात हुई है, संगठनों से बात हुई है, विचार मंथन हुआ है। जब देखा, ये बात हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो अब सरकार ने कदम उठा लिया, नहीं नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं इस आंदोलन से प्रारंभ से जुड़ा हुआ हूं, 1982 से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, 86 में ताला खुलने के समय में जुड़ा हुआ हूं, कार सेवा के समय में जुड़ा हुआ हूं, ढांचा गिराने के समय से जुड़ा हुआ हूं, तमाम पूरे देश के अंदर जो आंदोलन है, मैं प्रारंभ काल से लेकर आज तक इस आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो इसमें केवल इतना ही है कि सरकार ने भी जब देखा सुप्रीम कोर्ट डिले कर रहा है, चुनाव भी सिर पर है, तो चुनाव को ध्यान में रख के नहीं, हिंदू भावनाओं को ध्यान में रख करके, देश की जनता, ये साधु संतों का दबाव भी काम आया है, जो ताल कटोरा का कार्यक्रम हो या पूरे 6 लाख गांवों के अंदर कार्यक्रम हुआ, दिल्ली में हुआ और भारत के पूरे राज्य में हुआ। और सरकार जब देखती है, जन भावनाओं का आदर करना सरकार का काम है, जनता की आवाज को सुनना सरकार का काम है, सरकार के और भी काम होंगे, परंतु सरकार ने प्रायोरिटी समझा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रायोरिटी भी नहीं समझा, आक्रोश तो यहां पर खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को तो यह बिल्कुल बोलना कहना हिंदुत्व का अपमान, राष्ट्र का अपमान, 125 करोड़ देश के इन लोगों का अपमान है कि हमारी प्रायोरिटी में राम मंदिर, तुम्हारी प्रायोरिटी में राम मंदिर नहीं है, सैमलैंगिकता तुम्हारी प्रायोरिटी में है, SC ST का कानून आपकी प्रायोरिटी में है, या आतंकवादियों को सुनवाई करना वो आपकी प्रायोरिटी में है। ये 70 वर्षों से, तो आजादी के बाद 500 वर्षों से ये लड़ाई चल रही है, जब से ये ढांचा गिराया गया, दूसरा बनाया गया, तब से लड़ाई चल रही है। आखिर कहीं तो हम और ये सरकार से उम्मीदें हैं, ऐसा नहीं है। और सरकार ने एक अच्छी पहल की है तो इसका तो देश को बताना चाहिए ना, गलत करेगी तो उसको भी बताएंगे, सही करेगी उसको भी बताएंगे। लेकिन संत समाज ने एक तरीके से पहले सरकार को, मैं कहूं, चेतावनी दे दी थी या धमकी दे दी थी कि भाई अगर मंदिर नहीं बना तो हमारा साथ आप भूल जाइए। क्या मैं ये समझूं यहां से आज आपने इस धर्म संसद के जरिए उनको मोहलत और दे दी है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उम्मीद तो तुम ही से है, दूसरों से तो उम्मीद भी नहीं है। बिल्कुल सही बात, उम्मीद हम लोगों को उम्मीद केवल भारतीय जनता पार्टी से ही है। कांग्रेस के आज तक के और कांग्रेस के साथ साथ ही और भी दल जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उनकी नीति केवल तुष्टिकरण की रही है, अल्पसंख्यक की तुष्टिकरण पर ही उनकी राजनीति चली हुई है, या तो वर्ण अलग अलग जातियों पर उतनी राजनीति चली हुई है। राष्ट्रवाद के बात में केवल यही सरकार खरी उतरी है। जैसे हमारी कई वर्षों से मांग थी कि जो घुसपैठिया इस देश में आ रहे हैं उसको रोका जाए, उसको यहाँ की नागरिकता न दी जाए, लेकिन वो बात केवल ये सरकार ने स्वीकार की और राष्ट्रीय नागरिकता धारा के लिए इस सरकार ने प्रयत्न किया, तो निश्चित बात है। दूसरी बात, देखिए आपने जो बिन विवादित जमीन जो सरकार ने अधिग्रहण की थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अर्जी दाखिल की, तो इसका मतलब है कि उनका शुभ संकेत है कि हम मंदिर बनाएंगे। और सारी जनता को पता चल चुका है कि मंदिर नहीं बनाने के लिए कांग्रेस की ओर से कितने तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, वो सारी जनता को पता लग गया। लेकिन इस अधिवेशन में जैसे अंग्रेजों की नीति थी कि डिवाइड एंड रूल, विभाजन करो और अपने अपना कार्य करो, यही नीति पर कांग्रेस भी चल रही है, उसी नीति पर ही इन्होंने यहां कुंभ में धर्म संसद के सामने परम धर्म संसद का एक नया
काम खड़ा किया। महाराज जब बात शुरू की थी, स्वामी जी जब बात शुरू की थी तो आपने कहा था हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, ये संत समाज है और संत समाज किसी राजनीति से नहीं होता। शंकराचार्य को आपने कहा ये तो कांग्रेस के बाबा हैं, क्या यहाँ बातें जो हो रही हैं और जिस तरीके से हो रही हैं उससे लोग यही समझेंगे कि आप लोग बीजेपी के बाबा हैं? देखिए, ना तो हम बीजेपी के बाबा हैं ना हम कांग्रेस के बाबा हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं तो इस देश का बाबा हूँ, हिंदुओं का बाबा हूँ, राष्ट्र का बाबा हूँ। और जो राष्ट्र हित की बात करेगा उसका समर्थन करेंगे, जो राष्ट्र विरोध की बात करेगा उसका विरोध करेंगे। और दूसरी बात आपको एक और स्पष्ट रूप से मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये जो 21 तारीख लगा रहे हैं ना, ये भी कांग्रेस के इशारे पर, बिना कांग्रेस के तो ये पानी भी नहीं पीते, बिना कांग्रेस के तो ये टॉयलेट भी नहीं जाते। और बताऊं क्या इनकी बातें मैं आपको, ये तो खांसेंगे तो कांग्रेस से पूछ के खांसेंगे, यहां आएंगे तो कांग्रेस से पूछ के आएंगे। हम तो किसी से पूछ के नहीं आते, हमारी आत्मा बोलती हम चलते हैं। हमने किसी से पूछ करके ताल कटोरा का कार्यक्रम नहीं किया, हमने किसी से पूछ के देश के अंदर कार्यक्रम नहीं किया, हमने पूछ करके ये कुंभ के अंदर कार्य के नहीं आया, हमने किसी से पूछ करके धर्म संस्कृत को नहीं बुलाया, किसी को पूछ करके हम आपके साथ बात नहीं करें। हम तो अपनी आत्मा की आवाज की बात कर रहे हैं, जो हमारा दिल कहता है, गवाही कहती है। क्या आप ये चाहते हैं देश के अंदर जो है 70 सालों में जो लूट मची वही फिर लूट मचती रहे? क्या हम सब लोग इस देश के अंदर चाहते हैं? बात यहां अगर किसी दल के साथ जोड़कर देखना कोई चाहता तो गलत है। पर महाराज आपकी बातों से चुनाव प्रचार हो रहा पूरा, तो जोड़ के तो देखा जाएगा ही नहीं। मैं आपको आशीर्वाद दूं तो फायदा तो आपके आने वाले बच्चे को भी हो जाए, तो उसका कसूरवार मैं रहूंगा क्या? आपको मैंने आशीर्वाद दे दिया तो फिर आपको आशीर्वाद दिया तो आपके बच्चों को तो अपने आप मिल गया। तो आप यहाँ कहो जी मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे बच्चों को मत दो। एक सवाल और पूछ रहा हूँ। सवाल यह है कि दिल्ली में धर्म संसद जो हुई उसका जिक्र अभी उन्होंने दो बार किया, उससे ऐसा लगा कि संत समाज बड़ा नाराज है। संत समाज ने पूरी तरह सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ये तुमने नहीं किया तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं है। तब से लेकर अब तक ऐसा क्या बदलाव आ गया कि आज यहां पर सरकार को ना केवल मोहलत बल्कि मैं कहूंगा पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहे जैसी स्थिति है कि आप चिंता मत करिए हम तो साथ साथ ही चलेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। और बिल्कुल ठीक कहा जगत गुरु जी ने अभी कि वहां पर ताल कटोरा में एक सम्मेलन हुआ, रामलीला मैदान में हुआ, पूरे देश में 6,000 गांवों में जन जागरण का काम चला और उस जन जागृति से केंद्र सरकार के भी कान खड़े हुए हैं, तो ये शुभ संकेत हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है केवल सनातन हिंदू या जैन परंपरा का सवाल नहीं, वो हमारी भारतीय संस्कृति की अस्मिता के प्रतीक है, भारत की संस्कृति की आत्मा है। और अगर भारत में अभी भी जब देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश का लोकसभा अध्यक्ष इन विचारों को मानने वाला हो, तब भी अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? मैं तो बल्कि इस धर्म संसद के माध्यम से कोर्ट से भी निवेदन करना चाहूंगा, कोर्ट भी जो है जन भावनाओं का आदर करे। जब जो है समलैंगिकों के जो फैसला देना होता है तब फैसला आ जाता है, आधी रात को भी कोर्ट खुल जाती है, तो जब कोटी कोटी लोग उस बात की जब मांग कर रहे हैं, कोर्ट को भी उसको सुनना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र भव्य श्री राम मंदिर का जो है निर्माण शुरू हो जाना चाहिए। महाराज मतलब टोपी ट्रांसफर हो गई ना कोर्ट से, अब सरकार से अब कोर्ट के सिर पे आ गई टोपी। नहीं नहीं, सरकार अभी देखो हमारे संत समाज, हमारे जगत गुरु जी जो है, हमारे संत समाज जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सरकार को मान्य करना होगा, और जो सरकार मान्य करेगी वो सरकार के पीछे हमारा पूरा संत समाज है और राम मंदिर वहीं पर बनेगा। और ये हमारे संत समाज हमको जो भी आदेश करेंगे, और हम राम मंदिर हमारे है और राम भी हमारे है और हम राम के है, तो राम मंदिर तो वहाँ बनना ही बनना है। लेकिन ये बताइए ना फिर अध्यादेश का रास्ता क्यों नहीं मांगा आपने? क्यों ये कह रहे हैं कि ठीक है बाकी वाली जमीन छुड़वा लेते हैं उसी से काम शुरू कर देते हैं, जबकि एक अध्यादेश का विकल्प बाकी था? देखो आपने ताल कटोरा भी आप सबने धर्मादेश सुना है, पूजनीय जगत गुरु जी ने खुद धर्मादेश पढ़ा था और उस धर्मादेश में जगत गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया था और बहुत एक अपने विश्वास के साथ कहा था, अधिकार वाणी से उन्होंने कहा था सब संतों के बीच में कि कानून बनाओ या तो अध्यादेश लाओ, ये मांग संतों ने की है।
तालकटोरा धर्मादेश जो पढ़ा गया स्वामी जी के द्वारा, तो उसमें ये बात स्पष्ट जगत गुरु जी ने कर दी थी। अब क्या हुआ, अब तो आप लोग पूरी मोहलत देने सरकार को? देखिए, मोहलत इसलिए दे रहे हैं कि विश्वास है कि बनने वाला है, तो समय तो देना पड़ेगा। महाराज, आप ही से पूछ लेता हूं, इस धर्म संसद से कोई ऐसी चुनौती, कोई ऐसा बड़ा ऐलान आप लोग करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये सब का जब एक मत हो जाएगा, इसकी घोषणा तो मैं तभी करूंगा। हम सब लोग बैठे हैं, चर्चा चल रही है, चलती रहेगी, अंतिम में जो निर्णय होगा वो आपको बताएंगे। और एक बात कह देना चाहता हूं, आपने अभी एक बात कह दी, कभी सरकार कभी कोर्ट, कोर्ट ने कहा हमारी प्रायोरिटी नहीं, तो हमें सरकार से बात कही अपनी। सरकार ने जब एक बात मान ली कि उसमें अर्जी लगा दी, तब देश के लोगों को इतराज क्यों, या उन लोगों के इतराज क्यों? देश को तो इतराज है नहीं, देश के लोगों को इतराज नहीं है, कुछ लोगों को इतराज है, उन्होंने विरोध कर दिया, ये अर्जी क्यों लगाई? अरे भाई, अर्जी तो इसलिए लगाई ना, मार्ग खोलना चाहते हैं ना, तो ये तो किसी मार्ग को खोलने भी नहीं देना चाहते। खोलने की बात करते तो ये गलत हो गया, हम कुछ कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, कोर्ट ने हमें आज तक अभी ये न्याय नहीं दे पाए, एक बात। दूसरा, कोर्ट को गुमराह करने का काम कांग्रेस के वकीलों ने किया है, जिनका नाम एक बार मैं ले चुका हूं। बार बार ऐसे दुष्ट लोगों का नाम बार बार मुझे नहीं लेना चाहिए, एक बार बता दिया, देश की जनता समझ गई। रिपीट अगेन एंड अगेन मैं उसको नहीं करूंगा। केवल मैं इतना कहता हूं कि कांग्रेस ने बाधा खड़ी की है, कोर्ट ने न्याय नहीं किया है, तो सरकार को के सामने भी हमें अपनी बात को तो कहना ही है। और रही बात, जो अच्छा काम करेगा वो इस देश में राज करेगा। आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले, जैसा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चलो हम इतनी तारीख को निकल जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाला कोई काम आप नहीं करेंगे इस धर्म संसद से? देखिए, देश में शांति व्यवस्था बनाना भी संतों का काम है, ना कि बिगाड़ने का काम है। सबसे पहली बात, आपने कहा कि उन सरकारों से अपेक्षा नहीं, इन सरकार से अपेक्षा। मैं आपको बता दूं, हमने 1992 के अंदर कार सेवा और 90 के अंदर नियथे लोग मारे गए, कार सेवक मारे गए, निर्दोष मारे गए, हमारे धारा 44 से लग गई, पूरे देश में कर्फ्यू लग गए, कितना प्रताड़ना झेलनी पड़ी, कितना कष्ट उठाना पड़ा। आज हम खुलकर के बोल रहे हैं, इस देश के अंदर अपनी बात कहने की आज़ादी इस देश के अंदर है, तो उस देश के अंदर जब कोई बात कही जाती है आज़ादी के साथ और अपनी बात को रखा जाता है और उसको सरकारें सुनती हैं, तो ऐसी सरकार को बार बार बात कही जाएगी जो सुनेगी। और जो नहीं, जिन्होंने सुना नहीं, उन्होंने गोलियां चलवाई हम पर, वो दिन हम भूल नहीं सकते, उन बातों को हम नहीं भूल सकते। गोलियां चली हैं कार सेवकों पर, और जो है इन लोगों ने जो है कोर्ट के अंदर गुमराह किया है, तो उस बात को भी देश की जनता भूलेगी नहीं। हमें किसी दलदल में नहीं फंसने वाले, हम तो केवल, हमारा दल है रामा दल, हमारा दल है भगवान राम का दल है, भगवान राम के साथ थे, भगवान हमारे हैं, हमारे रहेंगे और उसके साथ रहेंगे। और एक बात स्पष्ट और कर देना चाहता हूं, लोगों के मन में अगर शंका हो, ये तो स्पष्ट कर दें, राम मंदिर है, पूजा हो रही है, आरती हो रही है, भोग लग रहा है। अब तो हमने जो एक पिंजरा बना हुआ है, जो राम जी कैद में कर दिए, उस कैद से छुड़ाना है, और राम जी जो टाट में बैठे उनको ठाठ में बिठाना है, ये संकल्प है। और राम और दुनिया, एक बात और स्पष्ट पूरा कह देना चाहता हूं, देश के अंदर बाबरी नाम की मस्जिद बन नहीं सकती, और अयोध्या में उस स्थान पर मस्जिद बन नहीं सकती, राम मंदिर है, रहेगा और है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज इस धर्म संसद का हिस्सा बनने के लिए। तो धर्म संसद से एक बात साफ है कि सरकार को कम से कम जैसा पिछला धर्म संसद में अल्टीमेटम दे दिया गया था, वैसा संकेत कम से कम फिलहाल नहीं दिखाई देता ऐसा लगता है, क्योंकि एक परम धर्म संसद से एक ऐसा संदेश जा चुका है जिससे लगता है कानून व्यवस्था को चुनौती होगी। ये दूसरी धर्म संसद उस फ्रंट पर कम से कम सरकार को राहत देने की कोशिश करेगी कि हम सड़कों पर निकलकर नारेबाजी करके या उस तरीके से राम मंदिर का रास्ता नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति सद्भाव से और अधिकार के साथ हमारे लिए राम मंदिर का रास्ता खोला जाए। लेकिन क्या चुनाव के पहले वो संभव हो पाएगा,
यह तय होगा इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की नई अर्जी पर क्या रुख अख्तियार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज तक के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हम यहां पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, यह बताते हुए कि कुंभ नगरी से अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जितनी बातें चल रही है, जितनी चर्चाएं चल रही है, सबका अपडेट आपको आज तक पर मिलता रहेगा। ब्रेक के बाद भी आप देखते रहिएगा आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।